हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं हाजो, और आज फिर से ब्लॉग हम लोग रास्ते में स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता यार। सडनली से प्लेन बनता है, सडनली हम लोग निकल लेते हैं। और हम लोग क्या है ना, सारे फ्रेंड्स का संडे को हर मिलना ही है और जाना ही है। और आप लोगों को पता है कि हमारा ब्लॉग हर संडे को आता है, हर संडे आता ही आता है। इस संडे हम लोग माधव मंदिर जाने वाले हैं जो हाजो में है, हाजो में ही है कहीं पे, पता नहीं। हम लोग लोकेशन देख के जा रहे हैं और मैंने सुना है वहाँ का व्यू बहुत मस्त है, तो वहाँ के पहाड़ को एडवेंचर करेंगे, राइड करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है भाई आज। और आफ्टर बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, 15 दिन हो गया। इसलिए पहले फ्यूलिंग कराते हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो गाड़ी में अभी शायद 2 लीटर तक तेल होना चाहिए, मैक्स मिनिमम शायद होना ही चाहिए। तो अभी चलिए और 100 का डाला लेते हैं कि इमरजेंसी में काम आएगा। और भैया आप उससे क्या कर रहे हो, तो बोल रहे ब्लॉग बना रहे हैं भैया, और क्या करेंगे बस। तो ये देखिए विकास ब्लॉगिंग दिखा रहा है, तो चलिए फ्यूलिंग करके फिर निकलते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्यूलिंग हो गया है, और देखो भाई इनको देखो, मैं बोलता हूँ ना जब भी प्यार हो ना तो भाई लोयल हो, इनकी तरह हो भाई। कभी मतलब हाथ अगर पकड़ा है तो किसी का हाथ छोड़ना नहीं है भाई, किसी का चीट नहीं करना है। आप किसी के साथ चीट करोगे तो आपके साथ भी कोई ना कोई जरूर चीट करेगा। और भाई ये कर्म है, अगर जैसा आप करोगे आपको वैसा ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो सोचता हूँ जो भी करूँ भाई ज़िंदगी में अच्छा करूँ, दूसरों का भलाई करूँ, ताकि भाई मेरे साथ ही भला हो, ठीक है। तो आप लोग बस जो हो रहा है ना अच्छा करो बस, क्योंकि आपका बुरा करता है छोड़ दो, कोई नहीं, भगवान देख रहे हैं सब। कर्म है भाई, एक ना एक दिन जरूर पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ क्या ज्ञान देने लगा, चलिए निकलते हैं गाइस और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज, ठीक है। ओ भाई भाई भाई, ये टर्निंग दिख रहा है, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ भाई। पूरा 360 है, मतलब मैं बोला ना यहाँ का रास्ता भी मतलब सब ऊपर नीचे है ना भाई, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जब भी यहाँ पे आओ, एक झालुकारी ब्रिज है मतलब गुवाहाटी का, जब भी यहाँ पे आओ स्लो में टर्निंग करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो भाई चलो अभी चलते हैं और मज़ा आने वाला है भाई। जब हाईवे पर जाएंगे, ये ब्रिज हाईवे हो गया पूरा, यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, वो लोग आने रहते हैं। रुको 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 ये रुको, हाँ वो रुका दो यहाँ कौन मारेगा। ये देखा हीरो को, ये देखा इसको देखो कैसे हंस रहा है। ओ भाई भाई भाई, क्या एफ आई आर खेल रहा है हम लोग के साथ। अरे भैया यहाँ का रास्ता बहुत सही है भाई, भाई लोग बस ये देखो यार, लुक एट दिस भाई, मतलब पुराना अपना गांव का याद आ रहा है अब तो। मतलब ये सब को देख के मन कर रहा है गांव चला जाऊं, सच में बोल रहा हूँ। गाइस पता नहीं हम लोग के मतलब ग्रुप में छपरी कहाँ से आ गया, ये देखो इसको देखो इसको देखो, बोला ना जिस दिन मरा ना ये देखना भाई, पूरा पागल है। देखो 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 पेटला क्या कर रहा है पता नहीं। तो गाइस ये रहा वो छपरी है, देखो देखो यही 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 है, यही वो है, यही जो पागल की तरह कर रहा था। ये देना फिर से कर गया देना, देखो भाई ये खुद को कर सोचता है ना कि मतलब हीरो है, मतलब बोला ना अभी मैं एक गियर उठाऊंगा ना तो एंटर कहाँ नहीं पता नहीं कहाँ जाएगा, समझा। ये लोग को मतलब क्या बोल रहे, देखो 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 मतलब क्या बोलो भाई, ये देखो देखो हे पागल। तो गाइस हम पहुंच गए और यहाँ पे हम लोगों ने अपना बाइक पास कर दिया है, बट यहाँ पार्किंग का 20 रुपीस लग रहा है, तो हम लोगों ने टिकट ले लिया बस, और यहाँ से भी जाएंगे ऊपर की तरफ। तो बस निकलते हैं और देखते हैं भाई, हेलमेट फंसा देता हूँ क्योंकि हेलमेट चोरी बहुत होता है, ठीक है। और ये देखो भाई मतलब यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है दिखने पर यहीं से मुझे। तो गाइस यहाँ पता नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, चलिए नीचे जा कर देखते हैं क्या। आई थिंक पानी में को क्या बोलते हैं, कछुआ है क्या शायद, मे बी हाँ शायद कछुआ ही होगा भाई, मगरमच्छ तो थोड़ी ना होगा। दिल्ली जाके देखते हैं क्या है, क्योंकि भाई इतना भीड़ लगा हुआ है, देखते हैं हुआ क्या।
भाई देखते हैं, रुको 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 रुको। ओ भाई मैंने बोला ना कछुआ सब देखने आए भाई यहाँ पे। भाई बड़े बड़े हैं तो बहुत। एक सेकंड रुको, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट। ईद, ओ भाई एक बार देखो यहाँ पे भाई। ओ भाई सच में मैं इतना बड़ा कछुआ पहली बार सामने से देख रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ सच्ची। ओ भाई एक और है, ये देखो देखो। ओ भाई देखो नीचे भी एक टू है यहाँ पे। ओ भाई भाई मुझे इन टच करना है भाई, एक बार जरूर करूँगा। रुको रुको रुको, एक बार करूँगा, डर भी लगता है बट रुको रुको देखता हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। और भाई यहाँ सीढ़ी देखो, मज़ा आ जाएगा लेकिन सच में। तो गाइस मैं यहाँ से जब ऊपर जाऊँगा ना वीडियो फास्ट कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस मैं इतना ऊपर आके थक गया था बट इनका म्यूज़िक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को तो अच्छा लगा सांस सुन के। मतलब आप लोगों को पता है म्यूज़िक मेरे लाइफ में क्या मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है। और गाइस ये नज़ारा देखो भाई, हम लोग फाइनली हाजो के मंदिर माधव मंदिर में आ गए हैं। तो गाइस ये नज़ारा देखो भाई। सो फाइनली आज हाजो आने का मतलब मन था और माधव मंदिर घूमने का मन था, आज वो भी मतलब हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। और भाई भगवान लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं, सच में बोल रहा है भाई। भगवान पे ट्रस्ट रखो, सच में बहुत ट्रस्ट रखो। आपको जिसको ही मानते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, गॉड को मानते हो, जिसको ही मानते हो उस पर ट्रस्ट रखो भाई, सब कुछ अच्छा होने वाला है भाई। तो यहाँ से निकल चुके हैं और इतने दूर आए और राइडिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभी हम लोग जाएंगे पहाड़ पे, जो वहाँ पे मतलब मैंने सुना है बहुत मस्त रास्ता है। मेरा एक दोस्त गया हुआ है जो आगे जाता है चेतन, वो गया हुआ है, तो वहाँ पे भाई बहुत मज़ा आने वाला है। अभी राइडिंग करेंगे, ठीक है, तो फिर देखना और मज़े लेना, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे हम पहाड़ पे आ चुके हैं और ये रहा रास्ता। तो आप लोग बस वीडियो का मज़ा लो और मैं थोड़ा फालता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखो और मज़ा लो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस सच बोलूँ ना, पहाड़ में आने का अलग ही मज़ा है भाई। मैं बोलूँ ना, जब भी टाइम मिले तुम लोग पहाड़ों में जाओ यार, पहाड़ों का मज़ा जो है ना, आज ना बहुत टाइम बाद मुझे बहुत अच्छा फील रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा। और राइड करने में जो मज़ा आता है ना, पता है रिक्स है, बहुत ज़्यादा डर रहता है, बट जो मज़ा है ना राइड करने में पहाड़ों पर, वो कहीं पर नहीं है भाई, कहीं पर भी नहीं है। तो राइड करो बट केयरफुली करो, और अपना क्या है, हम तो बंदे ही है मुड़ के, जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पर दिल उठाएंगे, ठीक है भाई लोग। चलो कॉपीराइट आ जाएगा पर कोई नहीं, चलते हैं फटाफट, ठीक है, करते हैं और फिर ऊपर जाके देखते क्या है भाई। ये इस पर रास्ता इतना मज़ा आया ना भाई, इतना सही है, आप आओगे ना मज़ा आ जाएगा। थोड़ा रिक्सी है, वन वे टाइप का, देखो रोड ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट वहाँ से भी गाड़ी आता है, यहाँ से भी आता है, अभी नहीं आ रहा है लेकिन आता है ऐसा। तो ठीक है चलिए चलते हैं और देखते हैं ऊपर का व्यू, ठीक है भाई। ये कार देखो, ये देखो, ये तो ये वन वे टाइप का ही है, आप लोग देखो रास्ता, ये व्यू देखो भाई। यहाँ से आते वक्त हम लोग यहाँ से फोटो क्लिक करेंगे, पर अभी चलते हैं। और गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो ब्लॉग GoPro से शूट होगा, बिकॉज आपके भाई ने GoPro के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए एक्साइटेड है ना, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो GoPro आएगा मैं उसका भी अनबॉक्सिंग करूँगा, तो आप लोग को दिखाऊँगा, ठीक है, और क्या होने वाला है भाई। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है बट फिर भी अपने को ब्लॉगिंग करना है,
तो भाई GoPro तो लेना पड़ेगा, तो GoPro के लिए मैंने बोल दिया। तो कभी फ़ोन से कर रहा हूँ ना, तो मेरा अपना GoPro नहीं है, तो दिक्कत होता है थोड़ा, मतलब फिर GoPro रहेगा थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब फिर पता ही है भाई, तो फिर मज़ा आने वाला है इसको देखो। और GoPro का होगा तो फिर मतलब एक्चुअली है ना, अभी बहुत मज़ा आने वाला है सच में, बहुत मज़ा आने वाला है। ये लाइफ ऐसे ही ख़त्म नहीं होने वाला है, मैं लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, और आगे जाऊँ या ना जाऊँ मुझे पता नहीं, बट इन्जॉय करूँगा भाई लाइफ को। मुझे एक लाइफ मिला है, मैं इन्जॉय करूँगा, जितना हो सके उतना इन्जॉय करूँगा, और आप लोग भी इन्जॉय करो, जैसा भी हो, मुसीबत में हो, देखो हर जगह मज़ा लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, मैं मतलब यही मानता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइस आज का दिन यहाँ पे ख़त्म होता है, और चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब भाई प्लीज़ कर देना, ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।